अब आ जाइए एक्सप्लेनिंग रेट चेंजेस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन व्हाट इज द कोलिजन थ्योरी इज यूज इट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन टेम्परेचर सरफेस एरिया एंड गैस प्रेशर ऑन द रिएक्शन रेट. ठीक है, तो सबसे पहले कोलिजन थ्योरी क्या है और फिर ये सारी चीजें हम इसके अंदर इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे. हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, कोलिजन थ्योरी को ले लीजिएगा. एक मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन हुआ हुआ है. ये मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन होता है और नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही होती है. ठीक है, In order for magnesium and acid particles to react together, the particle must collide with each other and the collision must have enough energy to be successful. ये आगे इसके questions के अंदर भी ये sentence हमें नजर आएगा. अब इसमें देखें, अगर हमें rate of reaction चाहिए, इस reaction को proceed करना है, मिसाल के तौर पे this equation has to proceed, तो क्या होना चाहिए? उनकी आपस में collision होना चाहिए और collision उतनी energy से होना चाहिए जिससे reaction proceed हो. उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कोलिजन पहले जरूरी है. कितनी एनर्जी के साथ? एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होती है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, द पार्टिकल्स इन द लिक्विड मूव नॉनस्टॉप, दे रिएक्ट इन एसिड, एन एसिड पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद द मैग्नीशियम एटम एंड बॉन्ड्स मस्ट ब्रेक. ये मैग्नीशियम एटम्स हैं, ये एसिड मॉलिक्यूल्स हैं. जब भी इसके साथ ये मॉलिक्यूल आके इस के साथ टकराएंगे, एसिड पार्टिकल के साथ टकराएंगे, तो टकराने से क्या होना चाहिए? ये कोलिजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके साथ रिएक्शन कर सके. अगर वो कोलिजन स्ट्रांग नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे तो स्लोली वर्क हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हेयर द पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी फॉर सक्सेसफुल कोलिजन. एक तो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है लेकिन रिएक्शन नहीं हो रहा. इसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूल टकरा तो रहे हैं मैग्नीशियम एटम्स के साथ, लेकिन बहुत स्लोली टकरा रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी से टकरा रहे हैं, इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, तो ज़्यादा स्पीड के साथ टकराने की वजह से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मिल जाती है उसको, और उसकी वजह से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के नतीजे में फिर ये जो ये पूरा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस वगैरह बन जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में देखिए, बट हियर पार्टिकल्स डिड नॉट हैव एनफ एनर्जी, द कोलिजन वाज नॉट सक्सेसफुल, नो बॉन्ड वर ब्रोकन एंड द एसिड पार्टिकल जस्ट बाउंडेड अवे. इसमें क्या बाउंस्ड अवे? इसमें क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी मिल नहीं रही, नहीं मिल रही. जब एक्टिवेशन एनर्जी पूरी नहीं है तो आके टकराते हैं मैग्नीशियम के ये आस पास में ये पड़े होते हैं, एक के टकराते हैं वापस चले जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उसको नहीं मिल रही. एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स है. ठीक है, रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड्स पाई जाती है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है. ठीक है, ये पेज नंबर 951 यहाँ पे दिया है, हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अंदर. ठीक है, so the rate of reaction depends on how many successful collision there are in a given unit of time. ठीक है, यानी reaction जो rate of reaction है, अगर आपके पास unit time में एक collision होता है, successful collision का मतलब ये है कि वो reaction react कर लेते हैं आपस में. ठीक है ना, और reaction हो जाता है, वो successful collision है. तो अगर यूनिट टाइम में एक सक्सेसफुल कोलिजन है तो कम है, दो हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाएगा, चार हो जाएंगे रेट और डबल हो जाएगा, आठ हो जाएंगे और डबल होता जाएगा उस तरीके से. ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितने सक्सेसफुल कोलिजन होते हैं इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अगर कम कोलिजन होते हैं सक्सेसफुल कोलिजन जिसके नतीजे में रिएक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, और अगर वो ज्यादा हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज है. तो इसमें मेरा ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी सक्सेसफुल कोलिजन देयर आर इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है इसमें. व्हाई द रेट चेंजेस विद ईच फैक्टर. नंबर एक, इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन के साथ जो रेट क्यों चेंज हो रहा होता है. ठीक है, इसलिए कि कंसेंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज हो रही है. उसकी वजह क्या है इसको जरा देख लीजिएगा. ये आपके पास डाइल्यूट एसिड्स है और ये मैग्नीशियम है. अब आप कोई एसिड पार्टिकल कितना नजर आ रहा है, एक दो तीन चार, बाकी तो वाटर मॉलिक्यूल है. ये एक दो तीन चार मॉलिक्यूल है एसिड पार्टिकल्स, ये मैग्नीशियम है. अब ये एक आके टकराएगा, फिर दूसरा के टकराएगा, फिर तीसरा के टकराएगा, चौथा के टकराएगा, सिर्फ चार मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है टकराने के लिए.
यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कंसेंट्रेशन को हमने बढ़ाया, एसेट्स तो मालिकियों कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। अब जाहिर है यूनिट टाइम में अगर यहाँ पे एक टक रहा था तो यूनिट टाइम में अब यहाँ पे तीन टक रहेंगे और सक्सेसफुल कोलिजन होंगे, इस तरह से थ्री टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब आप कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं इसका मतलब है कि आप मालिक्यूल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, तो जब आप नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि जो कोलिजन होगा वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, वो ज़्यादा तेजी से होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये बट इन बोथ केसेस के रिएक्शन स्लोज डाउन ओवर टाइम बिकॉज, अच्छा दोनों में ये जहन में रख लीजिएगा, इसमें भी रिएक्शन हो रहा होता है स्लोली हो रहा होता है, इसमें रिएक्शन हो रहा होता है तेजी से हो रहा होता है, लेकिन जो स्लो हो रहा है वो मजीद स्लो होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो स्पीडी हो रहा है वो भी स्लो होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसकी वजह ये कि इसके अंदर मालिक्यूल रिएक्टेंट्स की तादाद कम होनी शुरू हो जाएगी। ये एक एसिड और एक मैग्नीशियम एटम जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो तो चले गए, अब जो नेक्स्ट कोलिजन के लिए अवेलेबल मैग्नीशियम एटम्स और जो HCl के एटम्स है वो कम पड़ जाएंगे, HCl मॉलिक्यूल्स और मैग्नीशियम एटम कम हो गए क्योंकि कुछ रिएक्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी, वो दोबारा नहीं आएंगे, तो उसकी कंसेंट्रेशन वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है दोनों चीज़ों की, मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन भी कम हो रही है और HCl की कंसेंट्रेशन भी कम हो रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसकी कंसेंट्रेशन कम है उसकी मजीद कम हो रही है, जिसकी ज़्यादा है उसकी भी कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास कर्व बनेगा वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द कंसेंट्रेशन बिकॉज देयर आर मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो देयर इज अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड देयरफॉर अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, ठीक है। तो आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है सिंपल वर्ड्स में वही आप उसने वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर में हम क्या करते हैं कि ये एग्जैक्टली देखिए इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करी, कितने मालिक्यूल है, एसिड मालिक्यूल 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 है, इसके अंदर कितने 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो कंसेंट्रेशन हमने नहीं बढ़ाया, जो मालिकी जो मैग्नीशियम एटम्स है वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 15 है, ये भी 15 है, तो दोनों की कंसेंट्रेशन में हमने कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन हम जो इजाफा कर रहे हैं उसके टम्परेचर के अंदर इजाफा कर रहे हैं, और जब हम टम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से और बढ़ जाएगी, ठीक है। और बढ़ने के नतीजे में जो कोलिजन्स होगी वो ज़्यादा एनर्जी से होगी, ज़्यादा तेज़ी से होगी, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। पहले क्या होता है कि ये मालिक्यूल्स हैं, अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो उसकी जो मोमेंट है उसके अंदर जो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम है, जब आप उसको हीटअप कर देते हैं तो मालिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। अब एक चीज़ जहन में रख लीजिएगा कि आपके पास ये 5 मालिक्यूल्स हैं HCl के, यहाँ पर भी 5 मालिक्यूल्स हैं, फर्क जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों का सेम बनेगा क्योंकि 5 मालिक्यूल ये भी है ये 5 मालिक्यूल है, ये 5 मालिक्यूल इस्तेमाल हो जाएंगे तो ख़ास प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 5 मालिक्यूल इस्तेमाल हो जाएंगे तो उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन ये स्लोली हो जाएगा ज़्यादा टाइम लगेगा और ये तेज़ी से हो जाएगा कम टाइम लेकिन किसकी एनर्जी ज़्यादा है तो तेज़ी से हो जाएगा। तो ये देखें स्लोली के लिए ब्लू, ये जो आपके पास ये वाला नज़र आ रहा है कोई स्लो इस वाले के लिए, ठीक है, और इस वाले के लिए ऊपर, ये देखिए प्रोडक्ट वही बना हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट सेम बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि सेम प्रोडक्ट बना हुआ है, लेकिन ये तेज़ी से बना हुआ है, ये स्लोली बना, इसको इतना टाइम लगा यहाँ बनने के लिए, इसको इतना टाइम लगा यहाँ बनने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ फ़र्क इतना आ जाएगा, आपने रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ कर दिया तो इसलिए प्रोडक्ट तो सेम होगा क्योंकि क्वांटिटी सेम है लेकिन तेज ये इसमें कम टाइम, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है उसमें टाइम कम लगेगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकंड एक और फैक्टर जिसमें दिया हुआ है द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर फॉर टू रीजंस, ओके, देयर आर मोर कोलिजन एंड मोर हैव एनफ एनर्जी टू बी सक्सेसफुल। रेट इंक्रीज विद द टेम्परेचर जो ऊपर उसने मेंशन किया वो ये है कि देयर आर मोर कोलिजन्स हैं एंड मोर हैव एनफ एनर्जी टू बी सक्सेसफुल,
यानी क्या होता है कि उसमें ऊपर वाले क्यों बता रहे हैं कि कोलिजन तेजी से होंगी और एनर्जी ज्यादा होगी, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से तेजी से हो जाता है। चले बाजाइए इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मैग्नीशियम है, ये हमने एक ही मैग्नीशियम यानी एक पीस डाला हुआ है यहाँ। अब जब पीस एक ही मैग्नीशियम पीस डाला हुआ तो आप देखिए कि जो एसिड्स है वो सिर्फ बाहर वाले सरफेस को टच कर रहा है और बाहर वाले सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है, अंदर वाला सरफेस जाहिर है एसिड डायरेक्ट नहीं जा सकता अंदर, वो तो बाहर से जब हो जाएगा रिएक्शन होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसी मैग्नीशियम पीस को हमने चार पांच पीसेस बना दिए उसके अंदर। अब हर एक पीस का जो इंटरनल हिस्सा है वो भी एक्सपोज हो गया एसिड्स को। अभी देखिए कि वो छोटे छोटे पीसेस बिल्कुल हर तरफ से उसने एसिड्स ने उसको घेर लिया, तो अब हर तरह से उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। तो इसलिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा या ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। तो द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद द सरफेस एरिया बिकॉज मोर पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स आर एक्सपोज, सो सक्सेसफुल कोलिजन आर मोर फ्रिक्वेंट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल आई एम श्योर इसमें बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। टेम्परेचर का भी, इंक्रीजिंग प्रेशर का भी यहाँ पर उसने वही बोला हुआ है। ठीक है, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पे कोलिजन कम है, सक्सेसफुल कोलिजन कम होंगे इसलिए कि स्पेस ज़्यादा है, मालिक्यूल कुछ कोलिजन करते हैं, कुछ खाली स्पेस के अंदर जाके मूव करते हैं, तो इस वजह से यूनिट टाइम में जो सक्सेसफुल कोलिजन है उसके चांसेस कम है। जब आप वॉल्यूम हाफ कर देते हैं या वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो यहाँ पे अब स्पेस ही अवेलेबल नहीं है और मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, तो यूनिट टाइम में सक्सेसफुल कोलिजन जो है वो डबल हो जाएगी और डबल होने के नतीजे में क्या होगा कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तेज होता जाएगा। तो ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें हम श्योर प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ें हैं। द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद द गैस प्रेशर बिकॉज देयर आर मोर गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो सक्सेसफुल कोलिजन आर मोर फ्रिक्वेंट।